कि मुख्यमंत्री के करीबियों ने लीक कराया है, क्योंकि नीतीश कुमार तो पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना रहे हैं कि पूरे बिहार में माफिया राज है और शरीफ आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। सीबीआई जांच करे तो नीतीश कुमार को बेऊर जेल में होना चाहिए था। अच्छा ये बताइए सर, आज तक बिहार इतिहास बनाने में अपना एक रिकॉर्ड कायम रखता है, उसी प्रकार एक इतिहास ये भी रचा गया कि बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, इस पर क्या कहना है? अब दुख की बात है कि ये मतलब जो खराब चीज़ें हैं उसमें बिहार चर्चा में आ जाता है। अब बताइए बीपीएससी की परीक्षा, जो बिहार की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है बीपीएससी प्रदेश स्तर की, उसमें पेपर लीक करा दिया जाता है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, 8 मई से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के करीबियों ने लीक कराया है। और अब तो बाकायदा उसमें एक रंजीत कुमार सिंह आईएएस का नाम आ रहा है। मैं ये आपके दर्शकों को बता दूं कि ये पूरा खेल समझने में उनको मदद मिलेगी कि रंजीत कुमार सिंह बिहार कैडर का आईएएस नहीं है, ये गुजरात कैडर का आईएएस है, लेकिन कुर्मी जाति का है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये जातिवाद में समझिए 1 पर आते होंगे। तो सिर्फ कुर्मी होने की वजह से रंजीत कुमार सिंह को गुजरात से लाकर बिहार में बैठा दिया गया है। अब इस बंदे का आप संदिग्ध आचरण देखिए, ये बीपीएससी की कोचिंग चलाता है, मिशन 50 या ऐसे कुछ नाम है। अब देखिए कि सरकारी सेवकों का एक ये होता है, कुछ सेवा नियम होते हैं, सर्विस रूल्स होते हैं, तो सबसे पहले इस बिंदु की जाँच होनी चाहिए कि क्या रंजीत कुमार सिंह ने बीपीएससी की कोचिंग चलाने के पहले सरकार से लिखित अनुमति ली थी या नहीं ली थी, है ना? ये महत्वपूर्ण बिंदु है जांच का। दूसरी बात है कि इसके ही मोबाइल से सबसे पहले प्रश्न पत्र गया है जो बीपीएससी का परीक्षा नियंत्रक है उनको, और रंजीत कुमार सिंह का एक लंगोटिया यार गिरफ्तार भी हो चुका है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक रंजीत कुमार सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। कायदे से रंजीत कुमार सिंह की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अब तो ये सबूत नष्ट करने लगा है। अभी एक दो रोज़ पहले मुझे खबर मिली कि जो इसका कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका इसने फेसबुक पेज डिलीट कर दिया है। FB पेज डिलीट कर दिया है रणजीत सिंह ने। तो धीरे धीरे वो अपने सबूत नष्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उसको मुख्यमंत्री का सीधा संरक्षण मिला हुआ है जातीय आधार पर, क्योंकि नीतीश कुमार तो पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना रहे हैं, तो जातीय आधार पर मुख्यमंत्री का संरक्षण है रंजीत कुमार सिंह को, इसलिए ये नंगा नाच हो रहा है। और बताइए, लाखों लड़के लड़कियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। जो युवा वर्ग है बिहार का इतने आक्रोश में है, और इस तरह से बीपीएससी का पेपर लीक होगा, एकदम अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कि अगला पीटी कब होगा, और अगला पीटी यदि होगा तो इसकी क्या गारंटी है कि उसमें पेपर लीक नहीं होगा। हो सकता है उसका भी पेपर लीक हो जाए, तब फिर रंजीत कुमार सिंह सक्रिय हो जाए। तो अभी बहुत बिहार में अराजक स्थिति फैल गई है। संक्षेप में मैं यही कहूं कि पूरे बिहार में माफिया राज है और शरीफ आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। क्या लगता है बीपीएससी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, अभी जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सब छोटी छोटी मछलियों की हुई है। कौन है बड़ी मछली? बड़ी मछली तो रंजीत कुमार सिंह है, और यदि रंजीत सिंह से पूछताछ हो कड़ाई से तो और भी बड़ी बड़ी मछलियाँ निकलेंगी, है ना, और भी बड़े बड़े सफेद पोस्ट निकलेंगे। जांच की आँच तो मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि हरियाणा का 4 मुख्यमंत्री रहा था ओम प्रकाश चौटाला, वो शिक्षक भर्ती घोटाला में तिहाड़ जेल में 10 की सजा काट रहा। तो इस देश में तो मुख्यमंत्रियों को भर्ती घोटाले में लंबी लंबी कैद की सजा मिली है। तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ तो जाँच हो जाती है, क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जाँच बैठ पाएगी? अब देखिए, सब समय की बात है। अभी जो देश में जो समीकरण है उसमें तो देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ कि यदि सृजन घोटाले की ईमानदारी से सीबीआई जांच करे तो नीतीश कुमार को बेऊर जेल में होना चाहिए था। सृजन घोटाला बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ रुपये का है। लेकिन चूँकि सीबीआई भी पिजड़े का तोता है, राजनीतिक दबाव में काम करने वाली एजेंसी है सीबीआई, इसलिए नीतीश कुमार से गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, पूछताछ तक नहीं हो रही है। तो ये सब राजनीतिक अनुसंधान होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होता है पॉलिटिकल होता है, लेकिन समय यदि बदलता है तो फिर नीतीश भी जेल जाएंगे, ऐसा क्या है?